ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने बाबरी मस्जिद को लेकर आरएसएस पर तीखा प्रहार किया है। शंकराचार्य ने कहा कि आरएसएस ने मस्जिद नहीं बल्कि हिंदुओं के मंदिरों को ही गिरा दिया, क्योंकि वहां कभी मस्जिद थी ही नहीं। स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा कि वो हिंदुओं के नेता हैं और अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का निर्माण करेंगे। स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा कि जिस जगह को आरएसएस ने बाबरी मस्जिद बताकर तोड़ दिया, वो वास्तव में कभी मस्जिद थी ही नहीं, वो तो शुरू से ही एक मंदिर है। उन्होंने कहा कि जिस बाबरी को मंदिर तोड़ने के लिए बदनाम किया जाता रहा, वो ऐसा इंसान था वो बाबर। दरअसल उन्होंने दावा किया कि मंदिरों को तोड़ने का काम औरंगजेब ने किया था। अयोध्या में शुरू से ही मंदिर था। स्वरूपानंद सरस्वती ने जो कुछ लोग ने उसको तोड़ा है, हम ये कहते हैं कि उन्होंने मंदिर तोड़ा, मस्जिद वहां थी ही नहीं। और जो लड़ाई है, अब जैसे ही ये बात हम लोग वहां सुप्रीम कोर्ट में साबित कर देंगे कि बाबर ने इसको नहीं तोड़ा, ना बाबर की कोई भूमिका है, बाबरी मस्जिद नाम की कोई चीज ही नहीं है, तो स्वाभाविक है कि हिस्ट्री हट जाएगा। हिस्ट्री हट जाने के बाद सब संत महात्मा लोग मिलकर वहां चार राम मंदिर बनाएंगे। तो स्वरूपानंद का बड़ा प्रहार कहा जा सकता है। अयोध्या में शुरू से ही मंदिर था, संघ ने मस्जिद नहीं मंदिर गिराया है। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का बयान आया, उन्होंने कहा कि संघ पर एक सीधे तौर पर प्रहार किया है, सीधे तौर पर हमला किया। अयोध्या में शुरू से ही मंदिर था। स्वरूपानंद सरस्वती ने क्या कहा, एक बार फिर से सुनते हैं। जो कुछ लोग ने उसको तोड़ा है, हम ये कहते हैं कि उन्होंने मंदिर तोड़ा, मस्जिद वहां थी ही नहीं। और जो लड़ाई है, अब जैसे ही ये बात हम लोग वहां सुप्रीम कोर्ट में साबित कर देंगे कि बाबर ने इसको नहीं तोड़ा, ना बाबर की कोई भूमिका है, बाबरी मस्जिद नाम की कोई चीज ही नहीं है, तो स्वाभाविक है कि हिस्ट्री हट जाएगा। हिस्ट्री हट जाने के बाद सब संत महात्मा लोग मिलकर वहां चार राम मंदिर बनाएंगे। तो संघ ने मस्जिद नहीं मंदिर को गिराया है, स्वरूपानंद सरस्वती का बयान। वहां कभी मस्जिद था ही नहीं, स्वरूपानंद ने कहा, और सीधा प्रहार आरएसएस के ऊपर। हरियाणा के फरीदाबाद में बुटीक चलाने वाली एक महिला ने मथुरा के दो नेताओं पर गैंगरेप का आरोप लगाया है। पीड़िता का आरोप है कि वो नौकरी की तलाश में मथुरा आई थी। यहां उसकी मुलाकात बसपा के पूर्व विधानसभा कोऑर्डिनेटर श्याम सुंदर कदम और उसके साथी गोपी चंद्र से हुई। दोनों ने उसे नौकरी की लालच देकर अपनी बातों में फंसाया और फिर होटल में ले जाकर उसके साथ गैंगरेप किया गया। महिला ने जब इसका विरोध किया तो दोनों ने उसे जान से मारने की धमकी दी और कोसी बस स्टैंड पर छोड़ दिया। पीड़िता किसी तरह कोसी थाने पहुंची और पुलिस को आपबीती बताई। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर गैंगरेप का मुकदमा दर्ज कर उसे मेडिकल के लिए भेज दिया है और दोनों आरोपी नेता श्याम सुंदर कर्दम और गोपी चंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना छाता में एक महिला ने आकर सूचना दी है कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया है, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उनको मेडिकल के लिए भेजा जा रहा है और विवेचना चली। मायावती ने बीजेपी पर एक बड़ा हमला किया। बीजेपी राज में दलितों का उत्पीड़न बढ़ा है पहले के मुकाबले। दलितों को खुदकुशी करने पर मजबूर किया जा रहा है। यूपी में भी दलितों का उत्पीड़न हो रहा है। कर्नाटक में भी दलितों पर अत्याचार जारी है। मायावती ने एक बार फिर से बीजेपी राज में दलितों के उत्पीड़न पर एक बड़ा बयान दिया। ज्यादातर केंद्र और राज्यों में ऐसी पार्टियों की सरकारें हैं तो जो इनको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहती। इन वर्गों के प्रति अभी तक भी उनकी हीन में जातिवादी मानसिकता नहीं बदली है। बीजेपी शासित राज्य है, वहाँ पर तो बड़े पैमाने पर जुल्म जाति हो रही है। वहाँ इनको अपनी राज्य सरकार को थोड़ा सा सख्ती से लेना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री चुप हैं। इसका मतलब यह है कि इनको कोई तकलीफ नहीं है प्रधानमंत्री को कि दलितों के ऊपर उत्पीड़न हो रहा। गुजरात के अंदर इतना बड़ा हादसा हुआ है। मैं ये सोच रही थी, हमारी पार्टी ये सोच रही थी कि श्री नरेंद्र मोदी को कि वो गुजरात से आते हैं, जरूर इसके ऊपर कुछ ना कुछ बोलेंगे, लेकिन आज तक भी उन्होंने इस मुद्दे के ऊपर एक लफ्ज भी नहीं बोला। दयाशंकर सिंह द्वारा मायावती पर की गई टिप्पणी के बाद सियासी जंग थमने का नाम नहीं ले रही। मऊ में एक नया सियासी बवंडर उठ रहा है।
बसपा भाईचारा सेक्टर कोऑर्डिनेटर अजय सिंह ने पार्टी छोड़ दी है। उन्होंने पार्टी छोड़ते हुए एक नया खुलासा भी किया। उनका कहना है कि आंदोलन के दौरान बीएसपी नेताओं ने जिस तरह बहु बेटियों के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया उससे वो बहुत ज्यादा आहत है, जिस कारण हमने पार्टी छोड़ने का निर्णय लिया है। साथ ही उन्होंने नया खुलासा करते हुए कहा कि जो बसपा के विधायक हैं वो 10-10 करोड़ रुपए की व्यवस्था करें तभी उनको टिकट मिलेगा। इसके लिए कुछ लोगों ने टोकन मनी भी जमा करवा दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि वो दयाशंकर सिंह के परिवार के साथ खड़े हैं और आगे भी उनका साथ देंगे। और भदोई में दिल दहला देने वाला दर्दनाक हादसा। जी हाँ, ट्रेन से टकरा गई टेंडर हार्ट स्कूल की वैन। दर्दनाक हादसे में 8 बच्चों की जान जा चुकी है, 7 बच्चे जख्मी हैं, 3 की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। तीनों बच्चों को बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में कराया गया भर्ती। मधुआ जी इलाहाबाद पैसेंजर ट्रेन से टकरा गई थी स्कूली वैन। टेंडर हार्ट स्कूल की वैन में करीब 20 के आसपास बच्चे सवार थे। मानव रहित क्रॉसिंग पर यह हादसा हुआ, बेहद दर्दनाक हादसा। भदोई ट्रेन हादसे पर सीएम ने अपनी संवेदनाओं को व्यक्त किया। सीएम ने 2 लाख मुआवजे का ऐलान किया। हर संभव मदद का सीएम ऑफिस से दिशा निर्देश जारी हो चुका है। और आई थाना का मेघीपुर इलाका है, वहां की ये दर्दनाक घटना बताई जा रही है। तो औराई थाने के मेघीपुर की घटना एक्सक्लूसिव विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं। इस पूरे हादसे के तुरंत बाद जो आसपास के इलाके के जो स्थानीय लोग थे वो आक्रोशित हो गए और उन्होंने आगजनी की। आप देख सकते हैं वही स्कूली वैन है जिसको आग के हवाले किया गया, जिसमें वो 20 बच्चे सवार थे, हादसे का शिकार हो गए और कई बच्चों की जान जा चुकी है। 3 बच्चों की हालत तो बेहद नाजुक है। बीएचयू के ट्रॉमा सेंटर में वो एडमिट है, उनका इलाज जारी है। ट्रेन से टकरा गई थी टेंडर हार्ट स्कूल की वैन। ड्राइवर को की अनदेखी यहां पर नजर आ रही है। ड्राइवर ने उस इशारे को नजरअंदाज किया जो कि उसको गंगमैन की तरफ से दिया गया था और उसके बाद ये भीषण हादसा हुआ है और इस दर्दनाक हादसे में 8 बच्चों की जान जा चुकी है। तो एक्सक्लूसिव विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं। निश्चित तौर पर सवालों का उठना लाजमी है कि इस दर्दनाक हादसे के पीछे जिम्मेदार कौन है, इन मासूमों की मौत का जिम्मेदार कौन है। ये जो मासूम इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं, बीएचयू के ट्रॉमा सेंटर में एडमिट है, उनकी इन गंभीर हालत का जिम्मेदार कौन है। औरई थाना है, उसके मेघीपुर इलाके की घटना है। बच्चे जो हैं, कई बच्चों की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में बच्चे एडमिट हैं, उनका इलाज जारी है। तो सीएम ने इस बीच तमाम तरह के जरूरी दिशा निर्देश सीएम ऑफिस से जारी कर दिए गए हैं। हर संभव मदद का भरोसा दिया गया है। मंत्री कैलाश चौरसिया मौके पर पहुंचे हैं। इस बीच जो जिलाधिकारी हैं, जो एसपी सिटी हैं, सब घटनास्थल पर मौजूद थे, तुरंत सब लोग पहुंचे थे। ट्रेन से टकराकर स्कूली वैन का जो दर्दनाक हादसा हुआ है उसमें 8 बच्चों की जान जा चुकी है, 8 मासूम बच्चों की जान जा चुकी है और कई बच्चों की हालत बेहद गंभीर है। इस बीच लगातार प्रयास किया जा रहा है, जिन बच्चों की हालत खराब है, गंभीर है, बहुत नाजुक है, उनका इलाज बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में जारी है। 20 बच्चे स्कूली वैन में सवार थे, इस हादसे का शिकार हुए, 8 ने दम तोड़ दिया है, 3 की हालत बेहद नाजुक है और कुछ छात्र जो है, कुछ बच्चे जो हैं, वो गंभीर तौर पर जख्मी हैं। और हमारे साथ फोन लाइन पे महेश आ चुके हैं। महेश, ये बताइए क्या जानकारी मिल पा रही है उन बच्चों को लेकर जिनकी हालत नाजुक है, बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में एडमिट हैं, और बाकी बच्चों की स्थिति कैसी है, सबसे पहले ये बताइए। देखिए, बच्चों की स्थिति तो काफी नाजुक बनी हुई है। जो बच्चे घायल हैं उनकी स्थिति बहुत ही नाजुक है। कोई भी ऐसी स्थिति नहीं जो हल्का फुल्का घायल हो। जितने भी बच्चे घायल हैं वो गंभीर रूप से घायल हैं और उनकी स्थिति बहुत ही नाजुक है। 3 बच्चों को बीएचयू ट्रॉमा सेंटर यहाँ से रेफर कर दिया गया है। बाकी परिजन और बच्चों को अपने अपने सुविधा अनुसार वो निजी चिकित्सालयों में, यहाँ के जो बड़े हॉस्पिटल है उसमें वो उन्होंने एडमिट कराया हुआ है। और हमारे साथ इस वक्त भदोई के एसपी सिटी फोन लाइन पर है अरविंद पांडे साहब। अरविंद पांडे साहब, बेहद दर्दनाक हादसा, 8 बच्चों की मौत हो चुकी है, बाकियों की हालत बेहद नाजुक है। किस तरह की कार्रवाई की जा रही है और किस तरह का रेस्क्यू है? जी, यहाँ पे आज सुबह 7:30 बजे ट्रेन का हादसा हुआ। ये कैयर मऊ थाना औराई में, यहाँ पे लगभग 8 बच्चों की डेथ हो गई है और 8 लोग घायल हैं जिनका हम लोग इलाज करा रहे हैं। और बहुत दर्दनाक हादसा हुआ है। ये 4 बच्चे जो है ट्रॉमा सेंटर बीएचयू में हैं और 4 लोग यहाँ पे जीवन दीप हॉस्पिटल है भदोही में, यहाँ पे उनका इलाज चल रहा है। यहाँ पे हम लोग, वहाँ उनकी जो डिमांड थी कि वहाँ पे चेन लगवा करके दोनों तरफ एक बैरियर लग जाए, वो बैरियर लगवा दिया है। 2 लोगों की 24 आवर ड्यूटी लगा दी है। जो घायल है उनका बेहतरीन इलाज कराया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से 2-2 लाख रुपए जो मृतक लोग हैं उनको उनके परिवार को दिया जा रहा है, और ये जो घायल लोग हैं बेहतरीन इलाज के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से आदेश है, बेहतरीन से बेहतरीन इलाज इनका कराया जा रहा है। बिल्कुल पांडे साहब, मैं जानना चाहूंगी आपसे, जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं कि सीएम ऑफिस से तमाम तरह के जरूरी दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं, मुआवजे का ऐलान हो चुका है, ये हादसा जो है एक भीषण हादसा है, निश्चित तौर पर एक सबक लेने की जरूरत है, इसके पीछे की कार्रवाई क्या होगी, क्या कोई टीम गठित की जाएगी, जांच की जाएगी, निष्कर्ष तक पहुंचेंगे कि इस तरीके के हादसे भविष्य में ना होने पाए, मासूम बच्चों ने जिंदगियां गंवाई हैं अपनी। यहाँ पे इस हादसा के पहले ही यहाँ पे अंडर पास बनने की बात है, अंडर पास सितम्बर से शुरू हो जाएगा बनना, उसके पहले यहाँ पे बैरियर लगा दिया जाए, दोनों तरफ से लगा दिया गया है, 24 आवर लोग रहेंगे। और चूंकि ये घटना जो ड्राइवर था उस कान में ईयरफोन लगाया था, वो आवाज सुन नहीं सका, वहां पे गेटमैन खड़ा था वो बताया लेकिन सुन नहीं सका, इसलिए घटना हो गई। जी अरविंद भूषण पांडे जी, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। पैसेंजर ट्रेन है जो मड़ुवाडी से इलाहाबाद की ओर जाती है, इसका 28C एक अनमैन लेवल क्रॉसिंग है कटका और माधव सिंह के बीच में, इसकी टक्कर एक टाटा मैजिक से हुई है जिसमें सवार स्कूल बच्चे थे। अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से बहुत ही दुख की बात है कि 7 बच्चों की इसमें डेथ हुई है, ड्राइवर और 7 अन्य बच्चे इंजर्ड हैं जो अन्य जगहों पर एडमिटेड हैं, जिला भदोही डिस्ट्रिक्ट की है। इस गेट पर एक गेट मित्र भी तैनात था, क्योंकि अनमैन लेवल क्रॉसिंग थी तो इस पर गेट मित्र एक तैनात था, और जैसे कि खबरें आ रही हैं कि उसने उस चालक को सूचना दे कि प्रयास किया था कि गाड़ी आ रही है थोड़ा रुक के जाए, किंतु दुर्भाग्यपूर्ण है, अत्यंत दुखद है कि थोड़ी सी जल्दी के लिए उसकी बात को अनसुना कर गाड़ी आगे बढ़ाई गई जिससे हादसा हुआ। तो आपने सुना यहाँ पर क्यों यह हादसा हुआ, जो ड्राइवर था उसने ईयरफोन लगा रखा था कान में, तमाम जो इशारे किए जा रहे थे रुकने के लिए वो नहीं सुन पाया, और यही लापरवाही जो है इन बच्चों की मौत की वजह बनी है, 8 बच्चों की जान जा चुकी है, बाकी की हालत गंभीर। और बड़ी खबर इस वक्त की, कुश्ती पहलवान के साथ ना इंसाफी का मामला। जी हाँ, नरसिंह के साथ ना इंसाफी हो रही है, कुश्ती संघ ने ये बात जो है साझा की है। एक महीने में 3 बार डोप टेस्ट क्यों करवाया गया, कुश्ती संघ की तरफ से इस आवाज को उठाया गया है कि क्यों सिर्फ 30 दिन के अंदर लगातार 3 बार डोप टेस्ट हुआ है नरसिंह का। क्योंकि चीफ कोच, हरन कोच और भी जो सेलेक्टेड लड़के हैं वो यहाँ पर हैं, अब पार्टनर मिल जाते हैं तो उसने मना कर दिया, लेकिन वो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि DGSI की सोच ठीक थी, लेकिन चूंकि इस प्रकार से घटना अभी तक हिंदुस्तान के खेल में नहीं घटी है, इसलिए हम लोगों ने भी उसको गंभीरता से नहीं लिया। अब उसको गलती माना जाए कि क्या माना जाए, जो आप माने वो सब ठीक है। देखिए, एक तो अपने खिलाड़ी को संरक्षण देना हमारा काम, फेडरेशन का काम यही है कि नरसिंह नहीं, अपने हर खिलाड़ी को हम संरक्षित करें। नंबर 2, नरसिंह यादव का जो रिकॉर्ड है आज तक का रिकॉर्ड, कम से कम 50 नेशनल इंटरनेशनल टूर्नामेंट वो खेल चुका है। वो एक ऐसा खिलाड़ी है कि जिसने कभी डोप टेस्ट देने से मना नहीं किया है, और चीफ कोच का भी मानना है, यहाँ तक कि नाडा के जो बच्चे टेस्ट लेने के लिए जाते हैं उनका भी ये मानना है कि जब भी नरसिंह को कहा जाता है डोप टेस्ट तो 1 मिनट का विलंब नहीं करता है, वो तुरंत डोप टेस्ट के लिए तैयार हो जाता है। और जब हमारा खिलाड़ी कह रहा है कि मैंने कोई चीज़ नहीं ली है, किसी दवा का प्रयोग मैंने नहीं किया है क्योंकि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, तो उसकी बात मुझे मानना पड़ेगा। सर, क्या अगर नर्सिंग फाइनल हियरिंग में भी अगर नर्सिंग क्लियर नहीं हो पाता, उनके फेवर में डिसीजन नहीं आता, तो क्या किसी और इसमें तो देखेंगे, नहीं नर्सिंग ने बोला है कि कोटा पे साफ इंडिया का ही रहेगा।
क्या हम गोड्डा से खाली छोड़ेंगे, क्या हम वीडियो भेजेंगे? देखिए अभी हम खिला के संपर्क में हैं, अपने आईओ के संपर्क में हैं, जो भी पत्र व्यवहार आता है हम तुरंत उसको उसका जवाब देते हैं, और शायद अगर हमने अब तक पत्र व्यवहार ठीक से ना किया होता तो अब तक ये हमारा नाम कट गया होता। और हम हमेशा कहते हैं कि भारत सरकार ने ये अच्छा खिलाड़ी है और इसके साथ कोई साजिश हुई है, घटना घटी है, जिसको हमारी सरकार ने भी बहुत गंभीरता से लिया है, हमारा देश पूरा है और हम इसकी जांच करा रहे हैं, इसलिए हमको मौका दिया जाए, और अभी तक उसने हमको मौका दिया है। हमारी तो इच्छा है कि इसको न्याय मिले और ये देश के लिए खेलने के लिए जाए। सर, आप कह रहे हैं कि कॉन्स्पिरेसी है, आपके हिसाब से कौन है इस कॉन्स्पिरेसी? देखिए हम नहीं कह रहे, नरसिंह यादव ने लिखित अलीगढ़ के बाबरी मंडी मामले में एक नया मोड़ आ गया है। हिंदुओं के बाद अब मुस्लिम परिवारों ने भी घर बेचने की तख्तियां लटका दी हैं। मेयर शकुंतला भारती मुर्दाबाद, शकुंतला भारती दंगा कराना चाहती हैं कि लिखकर मुस्लिम परिवारों ने तख्तियां टांग दी हैं। बीजेपी सांसद सतीश गौतम ने कहा था कि कुछ लोग माहौल खराब करना चाहते हैं। इसके बाद बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के महानगर अध्यक्ष राशिद पहलवान ने बीजेपी नेताओं पर ही आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के कुछ लोग माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। आपको बता दें कि बाबरी मंडी में एक महिला से छेड़खानी के बाद बवाल हुआ था, पूरी घटना ने सांप्रदायिक रंग ले लिया। बढ़ते हंगामे को देखकर पहले तो कई हिंदू परिवार अपना घर बार छोड़कर चले गए और अपने मकानों पर बिकाऊ है का नोटिस चस्पा कर गए। लोगों का आरोप है कि माहौल बेहद खराब है और गुंडई कर रहे खास समुदाय के लोगों पर प्रशासन कार्रवाई करने में नरमी बरत रहा है। लोगों ने पुलिस पर भी दंगाइयों को बचाने के आरोप लगाए हैं, लेकिन अब मुस्लिम परिवारों ने भी अपने घरों को बेचने की तख्तियां टांग दी हैं, जिसके बाद अलीगढ़ में पलायन को लेकर सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि यहाँ की छात्राओं में दहशत का माहौल है, स्कूल जाने में कतरा रही हैं बच्चियां। आए दिन होने वाली घटनाओं के चलते लोगों ने अपने घरों के दरवाजे लोहे के बनाए हुए हैं, जिससे कि कोई भी दरवाजा तोड़कर अंदर वारदात को अंजाम न दे पाए। यह घटना होने के बाद अगर प्रशासन, जिन लोगों को नामजद किया गया उनको तत्काल प्रशासन गिरफ्तार कर लेता तो इतनी बड़ी घटना होती नहीं और न इसको इस रूप दिया होता। कुछ लोग हैं जो एक समुदाय के और एक विधायक है जो उस समुदाय को बढ़ावा देता है, उसकी बदौलत ये माहौल। मुकदमा भी ये लोग भाजपा के हमारे खिलाफ करा रहे हैं, जबकि मैं अल्पसंख्यक मोर्चे का महानगर अध्यक्ष हूँ। 18 साल मुझे हो गए पार्टी में, मेरे पूरे परिवार के खिलाफ 4-5 नाम मेरे परिवार के हैं, और जो लोग हमारे समर्थक हैं बॉर्डर हैं बीजेपी के यहाँ, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अब इन लोगों में ये व्यय बना हुआ है कि कब पता नहीं कब हमारी जाने चली जाए और कब हमारे साथ इस तरीके की वारदात हो जाए, तो एफिडेविट एडीएम सिटी को सौंप दिए गए हैं। क्या है एफिडेविट में लिखा हुआ? लिखा हुआ है कि मकान बिकाऊ है, आप ही खरीद लें या किसी को बिकवा दें, जैसे भी हम यहाँ से जाना चाहते हैं, पलायन करना चाहते हैं। बाबरी मंडी थाना क्षेत्र में हुई घटना के संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया था थाना शासनी गेट पे। 4 लोगों के विरुद्ध वो नामजद FIR थी, 4 में से 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हमने कर ली है और शेष बचे 1 अभियुक्त की गिरफ्तारी शीघ्र ही कर ली जाएगी। उसमें माननीय न्यायालय से NBW वगैरह भी प्राप्त कर लिया गया है और गिरफ्तारी के शीघ्र प्रयास किए जा रहे हैं। वहाँ पे बाबरी मंडी में स्थिति नॉर्मल है, लोगों की दुकानें खुली हुई हैं, लोग अपने कामकाज कर रहे हैं, एहतियातन वहाँ पे फोर्स तैनात कर दिया गया है। बुलंदशहर में आम लोगों की सुरक्षा व्यवस्था कितनी कमजोर है, इसकी एक वानगी सामने आई है लक्ष्मीनगर से, जहां पर कुछ बदमाशों ने बंदूक की नोक पर एक किशोरी को अगवा कर लिया। इतना ही नहीं, विरोध करने पर बच्ची को मारने की धमकी देने लगे। वहीं पीड़ित परिवार ने जब पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाई तो उल्टा पुलिस वालों ने विधायक हाजी अलीम की कोठी पर पीड़ित परिवार को बुलाकर उन पर दबाव बनवा दिया और अगले दिन लड़की को वापस करने की बात का जिक्र किया। इतना ही नहीं, थानेदार और चौकी इंचार्ज ने पूरी घटना को फर्जी बताकर पीड़ित परिवार को धमका भी दिया। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी कुख्यात बदमाश मुल्ला फारूक के भाई आबिद और उसके साथी हैं। आबिद अपनी कार से बदमाशों के साथ आया और किशोरी को उसके घर से खींचकर कार में डाल दिया। घरवालों ने जब वारदात का विरोध किया तो आबिद ने एक महिला की गोद में मासूम बच्चे की तरफ बंदूक की नाल कर दी और बच्चे को जान से मारने की धमकी देने लगा। आरोपी आबिद अपहरण की गई किशोरी की माँ का प्रेमी है। किशोरी की माँ कई बरस पहले आबिद के साथ भाग गई थी और तब से उसी के साथ रहती है। किशोरी के पिता ने बदमाशों से तंग आकर इसी साल जनवरी में फांसी लगाकर जान दे दी थी।
तो आरोपी किशोरी को किस तरीके से अपहरण किया गया, अपहृत किशोरी के नाम पर लाखों की संपत्ति, और ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं किडनैपिंग का लाइव वीडियो। बुलंदशहर की खबर आपको दिखा रहे हैं, घर में घुसकर किशोरी का अपहरण किया गया, भीड़ बचाव करने में धमकी देने का आरोप है यहाँ पर, और इससे पहले भी इस तरह की वारदात को अंजाम देने का आरोप लगता आया। शिकायत करने पर पुलिस जो है यहाँ पर कोई भी कार्रवाई करने को राजी नहीं है। कई घंटे बीत जाने के बाद भी केस दर्ज नहीं किया गया था। वो लड़की हमारी टीवी देख रही थी, और वो टीवी देखते में एकदम उसी कमरे में ले आके वो कह रही, वो चीखा मारनी शुरू कर दी, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। तो एक आदमी ने तो उसकी तो वो पकड़ रखी थी बाहू में, और एक आदमी ने वो पकड़ रखी थी टांगे। तो वो हमारी बहन शाजी जो उसी के पास बैठी थी, तो वो रोकने लगी, तो कह लगी अपने बच्चों की जान की सलामती चाहती है तो इसको छोड़ दे, वरना तो तुझे जान से मार देंगे। मैं पर दो लोगों को जानती हूँ, क्योंकि वो एक वो है मुल्ला फारूक का भैया आबिद, जो हमारे घर में कई बार आके हमें धमकी दे दे के जा चुका है। शामली में सदर कोतवाली इलाके में जमीन को लेकर दो पक्षों में जंग छिड़ गई है। कलंदर शाह मोहल्ले के रहने वाले हाजी अख्तर और हाजी असकर जमीनी विवाद को लेकर आमने सामने आ चुके हैं। पहले तो दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई, और उसके बाद गोलियां भी चली है। इस दौरान एक गोली बच्ची को जा लगी, बच्ची को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में एडमिट किया गया, जहाँ से डॉक्टर्स ने उसको मेरठ के लिए रेफर कर दिया है। इस खूनी जंग में तीन और लोग भी जख्मी हुए हैं। तो वही घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन पुलिस के आने से पहले ही दोनों पक्ष मौके से भाग गए। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। ये कोतवाली शामली क्षेत्र अंतर्गत पंसारियन मोहल्ले का मामला है। यहाँ दो पक्ष हैं, दो एक ही परिवार के हैं दोनों पक्ष। इनमें प्रॉपर्टी का कुछ विवाद चल रहा था, उसी के चलते आज सुबह से इनका कोई इसमें झगड़ा भी हो रहा था, तो आज शाम इसमें फायरिंग हुई, जिसमें फायरिंग में एक बच्ची को, जो दोनों में से किसी भी पक्ष से संबंधित नहीं थी, उस बच्ची को गोली लगी है। बच्ची को भी हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। हम लोग इसमें तहरीर लेके मुकदमा पंजीकृत कर रहे हैं, दबिश हम लोगों की चल रही है, जल्दी इसमें अरेस्टिंग की जाएगी। नोएडा के सेक्टर 76 में स्काईटेक बिल्डर्स के खिलाफ सैकड़ों बायर्स ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाओं ने बच्चों ने हिस्सा लिया। बायर्स का आरोप है कि स्काईटेक बिल्डर्स उनके फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं कर रहा, जबकि बिल्डर्स को पूरा पैसा जा चुका है। सोसाइटी की सुरक्षा भी राम भरोसे चल रही है। सोसाइटी में गंदगी बहुत है, बच्चों के खेलने का कोई इंतजाम नहीं है। सोसाइटी में रहने वाले लोग बहुत परेशान आ चुके हैं। बच्चों को स्विमिंग पूल में जाने से रोका जाता है और फॉगिंग नहीं होती है। फ्लैट बुक करवाते वक्त बिल्डर से बहुत सारे वादे किए थे सुविधाएं देने के, लेकिन किसी पर अमल नहीं हो पाया। अब बिल्डर जो है अपनी बातों से मुकर रहा है। लिफ्ट से स्टक हो जाती है, बीच में रुक जाती हैं लाइट्स ये, और बहुत सारे इश्यूज हैं, लाइक सफाई नहीं है, जिम में इक्विपमेंट्स वर्क नहीं करते हैं, रजिस्ट्री नहीं है, उसी नहीं है। उसके बारे में हम जब भी कुछ भी बिल्डर से पूछते हैं, हमें कोई जवाब नहीं मिलता। दिक्कतें बहुत सारी हैं। लिफ्ट हर दूसरे दिन लिफ्ट खराब होती है। सिक्योरिटी नहीं है, बिना कहे कोई भी अंदर आ जाता है, मतलब सिक्योरिटी सबसे बड़ा सिक्योरिटी नहीं है। हम अपनी फैमिली को क्या देना चाहे, महिला की सुरक्षा, सिक्योरिटी नहीं है तो महिला की सुरक्षा तो बिल्कुल ही डिमोलिश है। अभी तक इस सेक्टर में ना अप्रोच रोड प्रॉपर बनी है, ना ही उसकी जमीन के बारे में भी बताया गया है कि डिस्प्यूट है। स्ट्रीट लाइट्स तो बहुत बात की बात है, सड़कें पे गड्ढे हैं, अप्रोच रोड्स का बहुत मेजर प्रॉब्लम है। एज अ रेजिडेंट मेरे को बहुत दिक्कत हो रही है। पहली बात तो हम मार खा रहे हैं बिल्डर की तरफ से, जिन्होंने कुछ काम अभी तक पूरा करके नहीं दिया है, और दूसरी तरफ से हम मार खा रहे हैं नोएडा अथॉरिटी से, जो कोई एक्शन नहीं ले रही है। आज सावन का पहला सोमवार है। बम बम बोले के जयकारे से पूरा देश सराबोर है। मान्यता है कि सोमवार को शिव की आराधना करने से मन्नत पूरी होती है। इसलिए इस दिन शिव की भक्ति और उनका जलाभिषेक करने के लिए शिवालयों में भीड़ उमड़ती है। तो भगवान शिव की आराधना से मनमांगनी जो भी आप मुराद मांगेंगे वो पूरी होती है। और देश भर में सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में, मंदिरों में भक्तों का हुजूम उमड़ा है। हर हर महादेव के जय घोष के साथ ही सावन के पहले सोमवार की हम आपको तीन तस्वीरें दिखा रहे हैं। काशी विश्वनाथ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, उज्जैन महाकाल की तस्वीरें आपके सामने, और देवघर में भी आप देख सकते हैं जलाभिषेक किया गया, पूजा अर्चना करने के लिए दूर दराज से लोग पहुंच रहे हैं शिव के दर्शन पाने को। पांच तस्वीरें आपके सामने है वाराणसी, मुरादाबाद, गोरखपुर, अयोध्या और लखनऊ की। शिवालयों में कांवड़ियों का जो आना जाना है वो लगातार जारी है। कांवड़ियों को लेकर तमाम तरह के पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के लिहाज से किए गए हैं मुकम्मल। पवित्र सावन के महीने का आज पहला सोमवार है।
उन 5 तस्वीरों को लेकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भक्तों में